हेलो अगेन। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि अब से ये जो प्लेलिस्ट ख़त्म हो गया, देर आर नो मोर वीडियोज़ टू मेक। बट देन सीइंग द परफॉर्मेंस ऑफ माई डियर स्टूडेंट्स इन द मिड टर्म्स एंड द रिसेंटली हेल्ड री अपीयर एग्ज़ाम्स, आई डिसाइडेड कि शायद एक और वीडियो बनती है। एंड वॉट वील डू हेयर इज़ यू नो वील जस्ट रन थ्रू अ सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो पास्ट क्वेश्चन पेपर आए हैं उसको एक बार हम विल जस्ट रन थ्रू इट एंड सी हाउ टू सॉल्व इट। ओके, सो इंग्लिश कंपल्सरी 101। सो आई एल शेयर द क्वेश्चन पेपर हेयर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। जो सवाल पूछा गया है वही बताइए, ठीक है? एटलीस्ट इफ़ यू नो इट। अगर नहीं पता है देन ओके, राइट समथिंग रिलेटेड टू दैट चैप्टर। जैसे अगर यू नो पैरट इन द केज से कोई सवाल है और आपको एग्जैक्ट उस सवाल का आंसर नहीं पता है, देन राइट समथिंग फ्रॉम दैट चैप्टर रिलेटेड टू दैट। बट लाइक यू नो रीड द क्वेश्चन, एटलीस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। और दूसरा, चॉइसेस। सो फॉर इंस्टेंस, हेयर यू कैन सी सेक्शन ए, आंसर द फॉलोइंग इन वन और टू सेंटेंसेस, राइट? बट देर आर चॉइसेस बिटवीन ए एंड बी। सो जैसे ए ऑप्शन है आपका जो ब्लो ब्लो दाओ विंटर विंड से लिया गया है, और उसका दूसरा ऑप्शन है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग बाय वर्ड्सवर्थ, राइट? सो इनमें से एक करना है जो बड़ा बड़ा और लिखा है, प्लीज़। एंड देन इन द नेक्स्ट बी सेक्शन, एक आपको आया है डिनर फॉर द बॉस एंड दूसरा पैरट इन द केज द स्टोरीज, इनमें से आपको एक क्वेश्चन करना है, राइट? सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, चॉइसेस एंड क्वेश्चंस। एंड एज यू कैन सी, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस में से आपको एटलीस्ट जो भी आप जो अपने किताब में सारे टेक्स्ट का टाइटल और ऑथर का नाम तो या पोएट का नाम आपको एटलीस्ट यू शुड बी नोइंग दिस। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट आई वॉन्ट टू डिस्कस इज़ लाइक यू नो आंसर, जो आपके जो लेंथ ऑफ योर आंसर यू नो डिपेंड्स ऑन द मार्क्स। अब जैसे एक एक नंबर पोएम है, जहाँ एक एक नंबर का सवाल है, जहाँ पे जैसे आपसे पूछा गया व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट फ्रेंडशिप एंड लव, देन As it said in the question, you answer in one or two sentences. If the same question was for 5 marks, जो कि आप बाद में देखेंगे, so in that then you need to add details. You need to tell us more about the speaker, about William Shakespeare, and you need to describe more what he's saying about friendship and love. You can summarize the poem, do these things. और अगर in fact यही सवाल अगर 10 number का आता है, then of course you have to add even more things. You can talk about Victor, Elizabethan time, Elizabethan times. You can talk about as you like it. You can talk more about you know friendship. You can even compare it with what John Donne says in The Good Morrow, etc., etc. So always like you know answer the understand the question. प्लीज़ नोट द चॉइसेस कि आपको कौन से चॉइस करने हैं, कितने आंसर करने हैं। एक्स्ट्रा अगर आपने लिखा है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि 2 ही चॉइसेस आंसर करने हैं, सो अगर आपने 3 या 4 कर दिए उसके आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे, इट्स यूजलेस, यू विल ओनली वेस्ट योर टाइम एंड ऑल्सो पेपर। एंड हाँ, नो ऑल द टेक्स्ट एंड ऑथर नेम्स, एंड फाइनली यू नो आंसर अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। ओके, या ऑल राइट, सो लेट्स जस्ट रन थ्रू दिस। तो पहला सवाल जो आपका है, विलियम शेक्सपियर, ब्लो ब्लो द आउट विंटर विंड, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस पोम, हु इज़ द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स, यू नो वॉट डज द स्पीकर से अबाउट फ्रेंडशिप एंड लव। स्पीकर क्या है? ए मीन्स फ्रॉम एज यू लाइक इट, इफ़ यू नो दिस वेरी गुड। एंड देन विच वर्ड्स इन द एक्सट्रैक्ट आर द एंटोनिम, एंटोनिम ऑपोजिट, सो प्रूडेंस, प्रूडेंस का ऑपोजिट क्या होगा यहाँ पे, यू नो फॉली। एंड वैसे ही सिंसेयर, सिंसेयर का क्या होगा? फेनिंग, ऑपोजिट, नॉट सिनोनिम, सिनोनिम्स आर पर्यायवाची, और जो एंटोनिम्स आर जो विपरीत अर्थ के जो शब्द होते हैं। सिमिलरली अगर इफ़ वी मूव ऑन टू द चॉइस थिंग, सो वैसे ही आपको पता होना चाहिए सिनोनिम्स, जैसे यहाँ पे पूछे टू कनेक्ट क्या होगा, नेचर लिंक, लिंक। एंड डीपली हर्ट का सिनोनिम ग्रीव्ड, एंड यू शुड नो द पोएट। सिमिलरली देन यू गो टू द बी ऑप्शन, दो स्टोरीज में से लिया गया है, हु कैन बिकम अ सीनियर एग्जिट, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल ऑफ दिस, यू नो। सो इफ़ यू नो द, इफ़ यू हैव रेड द टेक्स्ट, यू विल, इट विल बी वेरी इजी। और वैसे ही जो इसके बी ऑप्शन में, फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स ईटिंग विदाउट चूइंग, वॉट इज इट, इट इज़ स्वालो, या ठीक। सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग्स। एंड देन अगेन देन सी ऑप्शन में आपको जैसे आ रखा है जो एट द हिमालयाज, और दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम द एसेज जो वैली ऑफ साइलेंस बाय गांधी। सो
Which word in the above passage means the same as appeared? What is it? Seemed, you know, appeared. So yeah, you should know the text and also basic थोड़ा लैंग्वेज का ज्ञान तो होना चाहिए. All right. So similarly, the Gandhi question. Then we move on to the 5 markers. You know, answer the following in about 150 to 200 words. एक डेढ़ पेज बेसिकली, एक पेज काफ़ी है मेरे अनुसार तो. इफ़ यू कवर ऑल द पॉइंट्स दैट्स इनफ. एंड थीम सब्सटेंस ऑफ द गुड मॉरो, हाउ डज शेली, और अगेन लाइक यू नो नोट द चॉइसिस, हाउ डज शेली डिस्क्राइब द स्टैच्यू ऑफ ऑज़िमैंडियास. सो हेयर यू विल टॉक अबाउट यू नो लाइक या इफ यू नो द टेक्स्ट यू शुड नो ऑल ऑफ दिस. थ्रो लाइट अपॉन द कैरेक्टर ऑफ मटरू, ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ शामनाथ. सो इट इज़ ऑल वेरी सिंपल. ज़्यादा कुछ इसमें कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. सेम विद द गांधी एंड द टैगोर क्वेश्चंस डिस्क्राइब. एंड देन फाइनली वी कम टू द लॉन्ग वंस, यू नो द 10 मार्कर्स. इसमें क्या है, लाइक आई सेड यू नो अकॉर्डिंग टू द लेंथ एड मोर डिटेल्स. मे बी यू कैन समराइज द पोम और द टेक्स्ट, और यू कैन ऐड कंटेक्स्ट, संदर्भ जोड़ सकते हैं. अगर लाइक यू नो इफ़ यू कैन कनेक्ट व्हाट्स बीइंग टॉक्ड अबाउट विद योर विद करंट अफेयर्स और विद लाइक यू नो द लार्जर कंटेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैल बी ग्रेट. सो जैसे इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट पैरट इन द केज एंड इट्स अ 10 मार्कर क्वेश्चन, यू कैन टॉक मोर अबाउट पार्टीशन. जैसे भूमिका बनाने को कहते हैं ना, यू कैन डिस्क्राइब मोर अबाउट पार्टीशन. वॉट वॉज द रीज़न फॉर द पार्टीशन, कैसे हुआ एंड एक्सेट्रा, एंड वॉट हैज़ इट ऑल लेड टू. सो देन इट इज़ वेरी सिंपल फॉर ऑल ऑफ दिस, राइट. सो देन वी मूव ऑन एंड थीमेटिक एस्पेक्ट्स, थीम्स वही जो आपके जो बता रहे हैं कि यू नो ऑफ पैरेंट इन द केस, वॉट कैन यू राइट. सो यू कैन राइट अबाउट द प्लाइट ऑफ द कॉमन मैन ड्यूरिंग द अपीवल्स लाइक पार्टीशन, आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, किस तरह से कैरेक्टर आपको कैरेक्टर रिवील करते हैं रुक्मणी का. And give a detailed summary of Gandhiji's theory of silence and his role in human life. That is very straightforward. And same with the man he killed as an anti-war poem. The whole poem is an anti-war poem. So you can, you know, summarize the poem. You can add your own feelings also, you know. So these are 10 mark questions. You can add all these extra details to fill up the pages and also like, you know. Also, like I said, you can leave out certain questions, certain portions in your syllabus if you are like, you know, not comfortable with them. But please note कि अगर आप जैसे अगर चार कविताएं, तीन चार कविताएं आपने तैयार की, दो स्टोरीज और एक ऐसे अगर तैयार किया है, सो जो चीज़ें आप तैयार कर रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं उनको तो फिर आप भूल ही जाइए. बट द वंस दैट यू हैव प्रिपेयर्ड वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए. एंड अगेन लाइक यू नो एटलीस्ट नो द टेक्स्ट नेम एंड द ऑथर नेम्स. फाइनली सेक्शन बी, ग्रामर पोर्शन. अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इट वॉज अ यूनिक साइट. इज देयर एनी वाटर इन द ग्लास? बाय अ यूनाइटेड एफर्ट वी मे अचीव सक्सेस. 1 or 3 यूनिक यूनिक. The letter is U, it's a vowel, but like I told you, it's more about the sound. Y, unique. Y आवाज़ आ रही है. So which is a consonant. United, Y. Same जो हमने. And then the peacock is in danger of extinction. My father is an honorable man. वही H लिखा है, but sound क्या आ रही? O. Honorable, honorable. So, and. Prepositions, I shall see you at dinner. India and Pakistan are at peace. They should be here for the event. She is one of the culprits. I agree with you. Then you come to the verb tense things. I Sharbani has made, you know, we made a verb tense video. You should check it out. It might help you. I'll share the link in the description. Work hard or you will fail. Water is like be, jo hai, is like, you know, was, be, being, essential for life. Long, long ago, men lived past. He learnt or learned, both are correct, American or British English for 2 years, French for 2 years. I wrote, again, past. And then coming to the phrasal verbs. We have talked about this. I hope you know what they mean. And again, like, you know, John is looking for a house. The doctor advised me to give up smoking. Cholera has broken out in the city. I cannot work with this problem. He turned down my offer of help. So as you say, turn down like phrasal verbs, मैंने आपको बताया था, when two words combine and sometimes they make a unique sort of a idiomatic meaning. So turn down, एक तरह से turn क्या है, मुड़ना, down नीचे, नीचे को मुड़ना, but नहीं, turn down is basically refuse. So I hope this has been some help to you, and yes, this will be the last video. And good luck for the exams.